रेड मीट व्हाइट मीट में फर्क क्या है और कौन सा बेहतर है हमारे लिए, स्पेशली इस सीजन में, ये जो ये समर गर्मी तपिश। देखिए रेड मीट व्हाइट मीट से बेहतर होता है, ठीक है सही है। अब डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कंडीशन कैसी है, ठीक है। और वो लोग खासतौर पर जिनको पाकिस्तान में देखें 80% ख्वातीन और बच्चे खून की कमी का शिकार, ठीक है, तो उनके लिए रेड मीट बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन आपने खाना कितना है, ओनली 100 grams पर डे। अच्छा सही, इतना सा वो जितना वो स्टेक देते हैं बाहर वाले यूरोपियन, वो आपके खून बनाने के लिए बेहतरीन है, ठीक है। अगर आप उससे एक्सेस में जाएंगे तो फिर सेम प्रॉब्लम्स इशू होंगे आपको, यूरिक एसिड आपका हाई होगा, इवन बच्चों में भी यूरिक एसिड हाई होता है, ठीक है, जो ग्रोइंग एज के होते हैं, तो वो चेक करना ज़रूरी होता है। जो बॉडी पेन, टांगों में दर्द और ये जो शिकायत होती हैं वो सिर्फ एजिंग की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं। अगर आप गोश्त के सीजन में बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं तो यूरिक एसिड बच्चों में भी हाई हो सकता है। अच्छा, व्हाइट मीट भी यूरिक एसिड बढ़ाता है? व्हाइट मीट बहुत कम, बहुत कम। रेड मीट ज़्यादा। लेकिन देखें, अगर आप अफादियत की बात करेंगे तो फिश में जो होते हैं मिनरल्स और विटामिंस वो बिल्कुल अलहदा होते हैं। अच्छा। और जो रेड मीट में होते हैं वो बिल्कुल अलहदा होते हैं, तो उसमें आप कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा। कि कौन सा अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है थोड़ी सी क्वांटिटी में जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एज के हिसाब से और जो है आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट टोटल वेट के लिहाज से आप कितना खा सकते हैं। मॉडरेट अमाउंट में खाएंगे आपको बहुत अच्छी अफादियत मिलेगी। अच्छा। और अगर आप एक्सेस में जाएंगे तो उसी का नुकसान शुरू हो जाएगा। आई थिंक हम जैसे रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो वो फिले वगैरह देते हैं, बिल्कुल एक साइज है अगर आप स्टेक वगैरह खा रहे हैं, स्टेक, और अगर हम घर पे सालन के तौर पे हम जैसे वो बोटी बना रहे हैं उसकी, उसमें भी हम एक दो बोटी खा खा सकते हैं, वो तो नॉर्मल उससे देखें, और कम मसालों के साथ, कम मसालों के साथ। अब आप देखें जितना भी मैं कुकिंग में भी देख रही हूँ, आप जितने कम मसालेदार डालें उतना टेस्ट अच्छा आता है, और जितने आप ज्यादा मसाले डालें टेस्ट जो है वो, एक तो मिर्चें थोड़ी कम खाएं गोश्त के साथ ताकि हार्ट बर्न ना हो। जो ईद के बाद जो ज्यादातर केसेस आते हैं, एक तो हार्ट बर्न, एक्नी ब्रेकआउट्स, और उससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का इंक्रीज होना, तो ये सबसे ज्यादा इस वक्त मौजूद है केसेस। तो अगर आप मॉडरेट अमाउंट अपनी बॉडी में शामिल करेंगे और लॉन्ग विद वेजिटेबल्स, अच्छा, आप गोश्त का पोर्शन खाना है, रात में बारबेक्यू हो रहा है, 4 से 5 बजे तक के 2-3 खीरे खा लीजिए। अच्छा, तो आपकी वो बॉडी से फाइबर आपको इतना मिल गया कि आपकी बॉडी से वो फाइबर जो है उसको, गोश्त में वो चीजें जो अच्छी हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। अच्छा, और जो आपके लिए नुकसानदेह हैं वो आपके एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। हाँ, मतलब एक चीज खा रहे हैं तो उसके साथ दूसरी चीज साथ में खाएं, जो ये बेसिकली मिलाप कहलाता है ना। हाँ। आप ऐसी चीज, यानी उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए, ठीक है ना। मतलब खीरा हम खाएं, अगर हम रेड मीट का, तो उसमें जो फाइबर है खीरे में, जो फाइबर है वो रेड मीट में के साथ सिर्फ उसके विटामिंस को ही एब्जॉर्प्शन करवाएगा, जो हमारी लाइक यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म इतने लेवल पे रखेगा कि यूरिक एसिड हाई ना, ठीक है। या फिर आप सफेद चने ले लीजिए, काले चने ले लीजिए, इसी तरह आप डिफरेंट सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको कभी भी गोश्त नुकसान नहीं पहुंचाएगा।